जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। सबसे पहले सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गया और हम दिलो जान से रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप सो सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, इस प्यारी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल 2021 एग वेजी स्प्रिंग रोल विद लिक्विड डो। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग रोल के बैटर के लिए मैं ले रही हूँ 2 एग, होल एग यूज़ करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 कप ऐड कर रही हूँ इसमें मैदा, 2 कप। जी तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हमने इसकी फिलिंग की तैयारी करनी है। ये मैंने लिया है कैबेज, गाजर, इसको इस तरह से स्लाइस कटिंग कर लिया, जूलियन कटिंग भी कहते हैं इसको। इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कैबेज, बंद गोभी और साथ में शिमला मिर्च और साथ में प्याज। ये 1 कप ली है मैंने क्वांटिटी में हर चीज़। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये स्पाइसेस, ये मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ चिली सॉस, 2 टेबलस्पून ऑस्टर सोया सॉस, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। इसके साथ डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। बस अब ये तमाम लिक्विड कंसिस्टेंसी जो है वो इसको हमें ड्राई करना है और उसके बाद हमारा वेजिटेबल रोल के लिए, एग रोल, स्प्रिंग रोल के लिए हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। जी तो ये मिक्सचर देखें बिल्कुल रेडी हो गया है और लिक्विड जो कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इसको करते हैं ठंडा और बनाते हैं अपने रोल को।
जी, तो स्प्रिंग रोल के साथ हम बना रहे हैं एक मज़े की डिप। ये मैंने लिया है मायो, 3 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, फ्यू ड्रॉप्स सिरका, वाइट विनेगर, और साथ में ऐड करें हम 2 टेबल स्पून केचप। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया। अच्छे से मिक्सिंग कीजिए और एंजॉय कीजिए इसे हमारे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल एग रोल के साथ। जी फ्रेंड्स, तो हमारे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। तो बनाएं इसे रमज़ान में और एंजॉय कीजिए, और अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो कि इसके मुस्तहिक हैं, ताकि उनका भी रमज़ान अच्छे से गुजरे और लजीज खानों के साथ। तो मिलती हैं एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।